और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल पतझर सा बसंत बहार, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों। वो सिंगर जिसकी गायकी सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले को बहुत पसंद थी, ये दोनों गायिका बार बार इस गायक के लिए सिफारिश करती थीं। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। इनकी सुकून भरी आवाज के मुरीद गुलजार भी थे, और इन्हीं से राज कपूर जैसे दिग्गज ने कहा था कि बेटा जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी फिल्मों में फीमेल सिंगर लता मंगेशकर और मेल सिंगर तुम ही रहोगे। उस सिंगर, उस फनकार का नाम है सुरेश वाडकर। राम तेरी गंगा मैली हो गई। सुरेश वाडकर की सुरमई और शहद भरी आवाज ने जमाने को न जाने कितने ही गीतों की सौगात दी, जिसे सुनकर कभी हम दर्द में डूब जाते हैं तो कभी मन प्यार और रोमांस के एहसास से भर जाता है। मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूँ आरजे अंतरा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इस पेशकश में आगे बताऊंगी कि गमन फिल्म के गाने सीने में जलन को गाने के बाद सुरेश वाडकर क्यों फूट फूट कर रोए थे। काश दिले एक खास वजह से सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का ऑफर ठुकरा दिया था। क्या थी उसकी वजह? साथ ही जानेंगे कि इतना बेहतरीन सिंगर होने के बावजूद क्यों उन्हें गाने मिलने बंद हो गए, और जानेंगे कि कैसे सुरेश वाडकर से गुलजार ने चप्पा चप्पा चरखा चले गवाकर उनका एक अलग टैलेंट जमाने के सामने पेश किया। चप्पा चप्पा चरखा चले, और अंत में बात होगी कि आखिर वो कौन सा सम्मान था जिसके लिए उन्हें 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं सुरेश वाडकर के प्लेबैक सिंगर बनने की कहानी। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार। अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले सुरेश वाडकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता ईश्वर वाडकर कोल्हापुर में ही एक कपड़े की मिल में काम करते थे, जबकि उनकी माँ मिल के मजदूरों के लिए खाना बनाती थीं। सुरेश को बचपन से ही गायकी का शौक था, इसको देखते हुए पिता ने उनका नाम सुरेश रख दिया, क्योंकि सुरेश में सुर भी छिपा था और ईश यानी ईश्वर भी। सुरेश ने कोशिश जारी रखी और आगे चलकर अपने पिता का सपना पूरा भी किया। महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने गुरु पंडित जियालाल वसंत से विधिवत संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अपने गुरु के कहने पर ही उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो उस वक्त संगीत के लिहाज से काफी पेशेवर कोर्स माना जाता था। इसके बाद वाडकर ने बंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। तब उनकी उम्र करीब 20 साल थी। साल था 1976। सुरेश वाडकर को पता लगा कि बंबई में ही सुर श्रृंगार नाम का एक कॉम्पिटिशन आयोजित हो रहा है, और उसमें बड़े बड़े संगीतकार जज के तौर पर रहेंगे। इस प्रतियोगिता के जज जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन और जयदेव ने ऐलान किया था कि जो भी कॉम्पिटिशन जीतेगा वो उसे फिल्मों में गाने का ब्रेक देंगे। सुरेश वाडकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए तो सारे राउंड जीतते चले गए। वाडकर ने अपनी गायकी से रविंद्र जैन और जयदेव का दिल जीत लिया, और इस मुकाबले का फाइनल राउंड भी। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। वादे के मुताबिक रविंद्र जैन ने सुरेश वाडकर को साल 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली का गाना झिलमिल झिलमिल वृष्टि पड़े गाने का मौका दिया। ये गाना काफी पसंद किया गया।
बृष्टि पड़े टपुर टपुर टिप टिप टपुर टपुर बृष्टि पड़े। अब बात उनकी गाई एक ऐसी गजल की जिसकी खुशबू से आज भी जमाना महकता है। इस नगमे की आवाज ज्यों ज्यों कानों के रास्ते रूह में उतरती है, सीने में दबा दर्द और जिंदगी की कसक बेचैनी भरे सुकून में ढलने लगती है। मन मानो किसी और दुनिया में जाकर ठहर जाता है। शहरयार के शब्द और जय देव के सुरमई संगीत में ढला ये गीत समय और काल से परे मालूम पड़ता है, सही मायने में अमर, ओज और सोच से लबरेज। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। साल 1978 में आई फिल्म गमन में जयदेव ने सुरेश वाडकर को सीने में जलन गाने का ऑफर दिया। उन्होंने इस गाने की जमकर तैयारी की। वो कई कई बार इस गाने की रिहर्सल करते और एक वक्त ऐसा आया कि वो इस गजल में डूबते चले गए। तय समय पर जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो जयदेव की मौजूदगी में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पहले ही प्रयास में ये गाना जयदेव ने फाइनल कर दिया। इधर सुरेश वाडकर को लग रहा था कि गाने में कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई है। उन्होंने जयदेव से गुजारिश की कि एक बार और इसे रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि गाना तो बिल्कुल ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सुरेश उदास हो गए, घर पहुंचे और अपनी बड़ी बहन से ये बात बताई और खूब रोए। बहन ने समझाया कि जयदेव जी ने कहा है तो गाना अच्छा ही रिकॉर्ड हुआ होगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश वाडकर कई दिन बेचैन रहे, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसने धूम मचा दी। बेहतरीन अंदाज और सुरमई कंठ से निकला ये गीत अमर हो गया। ओ रब्बा, कोई तो बताए, प्यार होता है क्या रब्बा। इसके बाद सुरेश वाडकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर को माँ का दर्जा देने वाले सुरेश वाडकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे फिल्मों में काम दिलाने के लिए दीदी ने बहुत मदद की, अगर वो न होती तो मैं शायद आज इस जगह पर खड़ा नहीं होता। लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। यही वजह थी वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके सुरेश वाडकर को चांस देने की सिफारिश करती थी। इसी तरह एक बार उन्होंने वाडकर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। ये संगीत जोड़ी सुरेश की आवाज से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने वाडकर को लता मंगेशकर के साथ गवाने का फैसला कर लिया। साल 1981 में आई फिल्म क्रोधी में उन्होंने सुरेश को लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाने का मौका दिया। चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। इसके बाद 1981 में ही आई फिल्म प्यासा सावन में उनका गाया ये गाना बहुत पसंद किया। सुरेश वाडकर अपने गाने सीने में जलन के लिए पहचाने जाने लगे थे। तभी राज कपूर साहब अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए किसी नए सिंगर की आवाज ढूंढ रहे थे और इस काम में वो खुद इन्वॉल्व थे। एक बार जब कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने सुरेश वाडकर का नाम सुझाया, क्योंकि वो सुरेश की गायकी का कमाल देख चुके थे। इसके बाद राज कपूर ने जब सुरेश वाडकर को बुलाकर उनकी गायकी को सुना तो वो भी उनके कायल हो गए। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि अपनी फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर ने सुरेश से चार गाने गवाए। ये चारों ही गाने एक से बढ़कर एक साबित हुए और सुरेश वाडकर घर घर पहचाने जाने लगे। भवरे तू कहना ना भूल फूल मेरा सुंदर सरल सुभरे। सुरेश वाडकर की जिंदगी में फिल्म प्रेम रोग गेम चेंजर साबित हुई। एक तो इसी फिल्म से आरके बैनर से उनका जुड़ाव हुआ, वहीं दूसरी ओर वो मुकेश के बाद राज कपूर के सबसे चहेते सिंगर बन गए। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर पर उनकी आवाज इतनी जमी कि आगे उनकी सारी फिल्मों में राज कपूर सुरेश वाडकर से ही गवाने लगे। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे। फिल्म प्रेम रोग के बाद राज कपूर साहब वाडकर की गायकी के इस कदर मुरीद हुए कि एक बार उन्होंने सबके सामने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सारी फिल्मों के लिए गाने सिर्फ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ही गाएंगे।
मरते दम तक राज साहब ने अपना ये वादा निभाया भी। ये सुहानी है मेरी यार। लता मंगेशकर जी के साथ सुरेश वाडकर की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आगे सुरेश वाडकर ने आर के बैनर की फिल्मों हिना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, राम तेरी गंगा मैली और विजय में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1983 में आई फिल्म मासूम में उनकी मखमली आवाज में गाया ये गाना आज भी मन को तरोताजा कर देता है। में आई निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म सदमा हिंदी सिनेमा की सफल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में गीतकार गुलजार का लिखा ए जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडकर की बेहतरीन गायन शैली का एक शानदार नमूना है। विधु विनोद चोपड़ा की हिट फिल्म परिंदा में सुरेश वाडकर ने एक ऐसा गीत गाया जो आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। इस गीत को सुरेश वाडकर के सबसे कामयाब गीतों में शामिल किया जाता है। आरडी बर्मन के संगीत से सजा गीत तुमसे मिलके हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर प्रेम गीतों में शामिल किया जाता है। वाडकर की मखमली आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिल। अपने करियर में वाडकर ने कई बड़े संगीत निर्देशकों के लिए गीत गाए। सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म विधाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना गाना हाथों की चंद लकीरों का आज भी बहुत पसंद किया जाता है। हाथों की चंद लकीरों का। इसके अलावा उनके गाए ना जाने कितने ही गानों से आज भी जमाना गुलजार होता है। तमाम गानों को वाडकर ने अपनी आवाज में कुछ ऐसे गाया है कि आज भी हम इन गीतों में किसी और गायक की कल्पना नहीं कर पाते। गोरों की नकालों की दुनिया है दिलवालों। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि गुलजार साहब भी सुरेश वाडकर की गायकी के बड़े मुरीद रहे हैं। गुलजार ने वाडकर के साथ मिलकर कई एल्बम भी बनाए जो कमर्शियली बहुत कामयाब तो नहीं रहे लेकिन संगीत के पारख ही इसकी दाद देते हैं। लगी आज सावन की फिर बोझड़ी है। 90 के दौर में तमाम नए गायकों के आने के बाद सुरेश वाडकर को गाने मिलने कम हो गए। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे गायकों की भीड़ में सुरेश वाडकर कहीं गुम से होते चले गए। इसी बीच 1996 में जब लंबे अंतराल के बाद गुलजार ने सुरेश को अपनी फिल्म माचिस में मौका दिया तो एक बार फिर न सिर्फ उन्होंने शानदार वापसी की बल्कि खुद के वर्सेटाइल सिंगर होने का सबूत भी पेश किया। इसके बाद विशाल भारद्वाज के साथ सुरेश ने फिल्म सत्या और ओमकारा में कुछ बेहद अनूठे गीत गाए। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। वाडकर ने 1998 में शिव गुणगान, 2014 में मंत्र संग्रह, 2016 में तुलसी के राम एल्बम लॉन्च किए जो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। लेके पूजा की थाली जो मन की जगा ली तेरी यार। अब बात उस वाके की जब सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि जब सिंगर सुरेश वाडकर अपने करियर के पीक पर थे तब उनकी मराठी परिवारों में अच्छी धाक थी। माधुरी दीक्षित भी वाडकर को बहुत पसंद करती थी। उन दिनों माधुरी का म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट देखकर उनके एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सुरेश वाडकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी उनके लिए परफेक्ट रहेंगी। माधुरी के परिवार वालों को भी यह रिश्ता अच्छा लगा। जब रिश्ते की बात करने माधुरी के घर वाले वाडकर परिवार के पास पहुंचे तो सुरेश ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडकर परिवार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। खैर माधुरी से रिश्ता बनते बनते रह गया और उनकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई केरल की रहने वाली पद्मा वाडकर जो खुद एक सिंगर है। सुरेश और पद्मा की दो बेटियां हैं, वो दोनों भी सिंगर हैं। सुरेश ने हिंदी और मराठी गीत के अलावा
कुछ गीत भोजपुरी और कोंकणी भाषा में भी गाए हैं। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कई भक्ति गीत गाए। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। संगीत के क्षेत्र में सुरेश वाडकर को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री शामिल है, जो उन्हें 25 जनवरी 2020 को दिया गया। जब ये सम्मान उन्हें मिला तो उन्होंने कहा था कि ये उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उनके फैंस का भी कहना था कि जो पद्मश्री उन्हें 2020 में मिला, ये उन्हें 20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा सुरेश वाडकर को मराठी फिल्मी सिंधु ताई सपकल के गाने हैं भास्करा क्षितिजावरी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड साल 2011 में दिया गया था। मोहब्बत से रोशन हर एक घर का आंगन ये माते। प्रतिभा के धनी सुरेश वाडकर की क्षमता का फिल्म जगत ने बहुत नाप तौल कर ही इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने जो भी गाया वो बेहतरीन है, जिन्हें संगीत प्रेमी कभी भूल नहीं सकेंगे। गगन तले सांझ ढले। एक तरफ सुरमई शाम जैसा राग आधारित गीत है, तो दूसरी तरफ तुमसे मिलके जैसा रोमांस। एक तरफ सांझ ढले जैसा गम में डुबो देने वाला गीत है, तो दूसरी तरफ सपने में मिलती है का अलहड़पन। उनके गाए हिंदी और मराठी भजनों के एल्बम्स जब भी बाजार में आते हैं, हाथों हाथ बिक जाते हैं। बहुत कम समय में ही सुरेश वाडकर हिंदी फिल्म और गैर फिल्म संगीत में अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।